अच्छा सारी का मैंने आपको कल एक प्रोजेक्ट की फाइल पेन ड्राइव में कॉपी करने के लिए बोला था कॉपी किया आपने हाँ सर किया है अच्छा वो पेन ड्राइव लाओ यहाँ पे सर थैंक यू वेलकम सर इसमें पेन ड्राइव में फाइल नहीं दिखाई दे रही कोई भी फाइल नहीं है इसके अंदर आ, सर मैंने उसमें पेस्ट किया था अच्छा लेट मी चेक अगेन एक काम कीजिए यहाँ पे पेन ड्राइव में तो कुछ फाइल नहीं दिखाई दे रही है इसमें दोबारा फाइल मुझे कॉपी करके दीजिए आप आ, नहीं सर मैंने वो फाइल कट पेस्ट किया था मेरे सिस्टम में भी अभी नहीं होगा वो अरे यार तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ पे इस पेन ड्राइव में से फाइल अभी गायब हो गई है और वो सिस्टम में भी अवेलेबल नहीं तो आपके पेन ड्राइव हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड में से एक्सीडेंटली फाइल डिलीट हो जाती है या कोई जान कर डिलीट करता है तो आप उसे आसानी से रिकवर कर सकते हैं डोंट वरी आसानी से रिकवर कर सकते हैं और रिकवरी के लिए हम यूज कर सकते हैं वंडरशियल रिकवरीड सॉफ्टवेयर आज इसी सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई कैसे हम फाइल को रिकवरी कर सकते हैं अगर आप जानने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो एंड तक देखिएगा मैं सतीश कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ लेट्स बिगिन तो दोस्तों इंटर पार्ट में जिस सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया वन डे शेयर रिकॉरी उसे डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए जहां पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा रिकवरी डेटा रिकवरी फ्री तो दोस्तों ये एक ऐसा फ्री डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है जिसमें आप था प्लस अलग अलग फाइल टाइप्स को रिकवर कर सकते हैं दो से भी ज्यादा स्टोरेज डिवाइसेस पांच से भी ज्यादा अलग अलग सीनरियोज मतलब आपकी फाइल अलग अलग कंडीशन में डिलीट हो चुकी वो यहाँ पे रिकवर की जाती है रिकवर फाइल्स फॉर वेरियस डेटा लॉस सिचुएशन

तो दोस्तों जैसे वनडर शोर रिकवर इट आप स्टार्ट करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पे सिलेक्ट लोकेशन टू स्टार्ट रिकवरी और कितना रिकवरी आप फ्री कर सकते हैं 100 एम तक फ्री में अवेलेबल है हाँ इसे अपग्रेड कर सकते हैं अगर आप ज्यादा एम की फाइल्स रिकवर करना चाहते हो तो यहाँ पे फाइल रिकवरी के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए जैसे यहाँ पे हार्ड ड्राइव एंड लोकेशन दिया है हार्ड ड्राइव एंड लोकेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे सिस्टम क्रैश हो गया तो आप यहां से उसे रिकवर कर सकते हैं यहाँ पे एनेक्स एंड लिनेक्स ये ऑप्शन दिया है उसके बाद अगर आपके फोटो और वीडियो रिकवर करने है रिस्टोर करने तो इनहांस रिकवरी मोड आप यूज कर सकते हैं कैप्चर वीडियो रिपेयर मोड भी यूज कर सकते हैं अगर आपका वीडियो प्ले नहीं हो रहा है तो बेसिकली ये सारे ऑप्शन है राइट right? साथ ही में यहाँ पे इनहांस रिकवरी मोड के अंदर आप अलग अलग फॉर्मेट की फाइल्स यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं जैसे एम पी फोर एम ओ वी एवीआईर वी ऐसे ढेर सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सारे अलग अलग वीडियो फॉर्मेट की फाइल्स यहाँ पे आप रिकवर कर सकते हैं साथ ही में इस वंडर शेयर रिकवरी के कुछ की फीचर्स मैं आपको बताना चाहूंगा ये रियल टाइम प्रिव्यू देता है मतलब आपका डेटा रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आपको सामने दिखाई देता है ये एक ऑल इन वन डेटा रिकवरी टूल है इनहांस फोटो एंड वीडियो रिकवर आप कर सकते हैं डेटा रिकवरी यहां पे आप कर सकते हैं साथ ही में इसके नए अपडेटेड वर्जन में आपको टाइम मशीन डेटा स्कैन एंड रिकवरी मिलता है जो कि मैक

पेन ड्राइव में फाइल है मैं आपको दिखाता हूँ मैं फाइल डिलीट करता हूँ आपके सामने और फिर उसे रिकवर करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली दिखाता हूँ बेसिकली ये करके सो so, मैं यहाँ पे विंडोज ई e प्रेस करके फाइल एक्सप्लोर ओपन कर रहा हूँ और इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे ये यू ड्राइव लगा हुआ है जिसमें अंदर प्रोजेक्ट फाइल्स मैंने जानबूझ यहां पे रखी है आपको दिखाने के लिए और ये मेरी डिलीट हो गया एक्सीडेंटली डिलीट हो गई किसी ने बोझ कर डिलीट किया और ये शिफ्ट डिलीट में कर रहा हूँ आर यू श्योर यू वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट दिस आइटम मैंने डिलीट नहीं किया डिलीट किया तो रिसाइकल बिन में जाएगा शिफ्ट डिलीट परमानेंटली डिलीट कर रहा हूँ मैं आपके सामने कुछ फाइल्स थी जो मैंने परमानेंट डिलीट किया अब मैं इसे डू नहीं कर सकता राइट यहां पे बट ये जो प्रोजेक्ट फाइल है मैं रिकवर कर सकता हूं रिकवर इट की मदद से कैसे यहां पे आपको रिकवर इट ओपन कर लेना है और करना क्या है भाई आपको कहां से रिकवर करना है वो बताना है सी ड्राइव से सिस्टम रिजर्व से लोकल ई ड्राइव से या एप ड्राइव से या फिर आपका जो एक्सटर्नल ड्राइव है जैसे ये वाला यूएसबी ड्राइव हमारा इसमें से हमें रिकवर करना है तो आप हार्ड डिस्क से कर सकते हैं पेन ड्राइव से कर सकते हैं मेमोरी कार्ड से कर सकते हैं राइट तो यहां पर लोकल डिस्क सेलेक्ट कर रहा हूं मैं और उसके बाद इसका स्कैनिंग चालू हो जाएगा तो जैसे यहां पे आप देख पाएंगे कि भाई आपका क्विक स्कैन इज कंप्लीटेड क्विक स्कैन कंप्लीट हो चुका है यू कैन प्री द फाइल एंड रिकोर स्कैन फाइल्स राइट जो स्कैन फाइल है उसे रिकोर कर सकते हैं और यहां पे डीप स्कैनिंग भी चालू किया है उसने और कुछ फाइल उसे मिल रही तो वो डीप स्कैनिंग पे लेके जा रहा है उसे तो फिलहाल क्विक स्कैनिंग हो चुका है जिसमें मुझे प्रोजेक्ट फाइल्स नाम का हमारा फोल्डर मिल रहा है और इसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं और इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं उसके अंदर मेरी जो फाइल्स अभी अभी मैंने डिलीट की थी एक्सेल फाइल थी हॉलीडे फाइल थी डैशबोर्ड बैकग्राउंड था कुछ स्क्रीनशॉट थे इन्हें मैं यहाँ पे रिकवर कर रहा हूँ अभी यहाँ पे इतनी फाइल सिलेक्टेड है वो पर्टिकुलर फोल्डर मैंने सिलेक्ट किया याद रखिए रिकवर हो गया वो फोल्डर जो कि क्विक स्कैन से हो गया तुरंत और ये डिप स्कैनिंग चालू है जो कि और भी फाइल ढूंढ रहा है पुरानी वगैरह राइट फिलहाल यहाँ पे मुझे इतनी फाइल थी अभी अभी जो स्कैन होके मुझे मिली है और मैंने इन्हें रिकवर करता हूँ और जैसे मैं रिकवर करूंगा यहाँ पे रिकॉर्ड बटन आ चुका है रिकॉर्ड बटन यहाँ पे यू कैन स्टिल रिकवर हंड्रेड एम फाइल्स उन्होंने बोला है ठीक है फ्री वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं हम इसे रिकवर कर लेते हैं उसके बाद रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करते हुए बोल रहा है कि आपकी फाइल कहां पे सेव करनी है आप सेम लोकेशन पे नहीं सेव कर सकते याद रखिए क्योंकि वो क्यों स्कैनिंग हो रहा है आप डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं आपके सी ड्राइव में सेव कर सकते हैं ई ड्राइव में सेव कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसे ई ड्राइव में सेव कर रहा हूं मैं ई ड्राइव सेलेक्ट कर रहा हूँ और रिकॉर बटन पे क्लिक कर रहा हूँ चलिए रिकॉर्ड हो चुका है ई ड्राइव में मेरा यहाँ पे लोकल डिस्क में ये सेव हो चुका है लेट मी ओपन इट यहाँ पे जी करके एक फोल्डर आ चुका है यहाँ पे ओपन करते हैं प्रोजेक्ट फाइल्स फोल्डर आ चुका है और यहाँ पे मेरी सारी फाइल आ चुकी है जो अभी अभी मैंने डिलीट की थी राइट मैंने शिफ्ट डिलीट की थी और ये स्क्रीनशॉट्स थे ये कुछ एक्सेल फाइल थी उसमें जो मैंने आपके सामने डिलीट की थी वो सारी फाइल यहाँ पे आसानी से रिकवर मैंने कर ली है हंड्रेड एम तक बिल्कुल यहाँ पे फ्री है इसका प्रीमियम वर्जन है जो ज़्यादा एम आपको फ्री देता है लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी फाइल डिलीट हो गई तो आप अभी रिकवर आसानी से कर सकते हैं लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा रिकवर करने के पहले आप उस पेन ड्राइव में कुछ चीज़ें ओवर मत करो मतलब अगर आपने कुछ फाइल उसमें ओवर कर दी अभी आपने पेन ड्राइव में कुछ डिलीट कर लिया है तो उसके बाद दूसरी फाइल अगर आप स्टोर करते हो तो उसके जो लोकेशन होते हैं ना बेसिकली पेन ड्राइव के वहाँ पे ये नई फाइल स्टोर होने के बाद ये वाला जो पाथ है बेसिकली इन फाइल्स का वो ओवर हो जाता है तो इसकी वजह से ये फाइल रिकवर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन अगर आपके पेन ड्राइव में से फाइल अभी अभी डिलीट हुई है मेमोरी कार्ड में से तो आप उसे रिकवर के लिए डाल दो बिना कोई नई फाइल डाले राइट उसमें नया फाइल मत डालो पेन ड्राइव में और उसे रिकवर के लिए डालो तभी रिकवरी के चांसेस ज्यादा है ये डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए दोस्तों सो ये वंडर श्योर रिकवरीड सॉफ्टवेयर कैसे लगा डेफिनेटली आपको अच्छा लगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड इंस्टॉल करके प्रैक्टिस पहले कर सकते हैं तो ये थी एक फाइल रिकवरी सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना साथ ही में चैनल पर नए मेंबर हो तो सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना ख्याल रखना सीखते रहना लोगों को सिखाते रहना स्मार्ट बनते रहना बाय बाय गाइड्स